वेलकम टू नोविना डी एमेच्योर। तो मैं आज आपको ले चल रही हूँ टिपिकल बनारस का फूड ट्रेल आपको दिखाने, जो ऑथेंटिक बनारसी ब्रेकफास्ट। सो कम विथ मी एंड लेट्स एंजॉय द फूड ट्रेल। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू नोविना डी एमेच्योर। और अभी मैं खड़ी हूँ हमारे यहाँ का जो बहुत प्रचलित एक मंदिर है, जो मानते हैं चिंतामणि गणेश, सोनारपुरा के आगे जो हम केदार बाजार जो मंदिर की तरफ जाते हैं, तो उससे पहले आता है चिंतामणि गणेश। सो इस समय कुछ सुबह के 6:30 हुए हैं। सो मैं आज आपको लेके चल रही हूँ बनारस का जो फेमस जो ब्रेकफास्ट का जॉइंट है, और जहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज मिलती है, इट्स कॉल्ड थटेरी बाज़ार। तो मैं आपको वहाँ पे लेके चल रही हूँ और देखते हैं। तो मैं सोनारपुरा जो एक चौराहा है वहाँ से आई विल टेक अ रिक्शा एंड आई गो टू गुधौलिया एंड फ्रॉम देयर आई विल टेक यू। सो लेट्स वॉक विद मी। अभी सुबह के कुछ 6:30 हुए हैं और मैं यहाँ से सोनारपुरा चौराहा से मैं अभी एक रिक्शा ली हूँ, जो मैं गुधौलिया चौराहे पे जाऊँगी और फिर वहाँ से मैं जाऊँगी ठठेरी बाज़ार। ये सुबह का समय है तो इसलिए रास्ते बड़े खाली लग रहे हैं, और कुछ देर बाद अब ज़रा ट्रैफिक देखिएगा। राइट नाउ आई एम वॉकिंग फ्रॉम गुधौलिया चौराहा टू टूवर्स चौक, वेर यू कैन गेट द दैट कॉरिडोर, विश्वनाथ मंदिर गेट कॉरिडोर। एंड with me right now today, one of my brother friend, he's here, his name is Saurav, say hi. Hello. Yeah, and he is a photographer, plus he does and his team do a kind of a trailing, or you can say a travel, like a local traveling in Varanasi. I'll give the Insta ID and you can contact him if you really want to travel here, a kind of a, like, you know, the gullies to a few historical places, like rare historical places. So now you can see that we are in the same kind of a place like Phool Mandi. So meanwhile I'm showing you the corridor as well. Here right now I'm standing at मणिकर्णिका द्वार, जो हम उसको शमशान कहते हैं, और यहाँ पे ही खोआ मंडी और ये बहुत सारे छोटे छोटे मार्केट भी आपको मिलेंगे अंदर से। सो आगे बढ़ते हैं फिर से। कब से दुकान है और क्या स्पेशलिटी है इसकी? दुकान हमारे जन्म से पहले से है। असल ये है कि हमारे यहाँ वाइट बटर है, खुद का अपना प्रोडक्ट है, मलाई टोस्ट है, अमूल बटर है, सिजीरियन है, जिसको बोलते हैं बनारसी भाषा में कम्बल ओढ़ के घी पीना, स्पेशल चाय है, प्रेशर वाला चाय है, स्पेशल दूध है, कॉफ़ी है, और बताइए। राइट नाउ आई एम एट लक्ष्मी चाय वाले, इट्स वन ऑफ द वेरी ओल्ड टी स्टॉल हियर, और यहाँ पे लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं जस्ट इनके वैरायटी ऑफ ब्रेड टोस्ट को खाने, समटाइम उनके ओरिजिनल मक्खन और ब्रेड, इनका अपना ही तरीका है, और स्पेशल वाली चाय। सो ये चौक के सामने, चौक की तरफ आगे जाके आप उसको लेफ्ट साइड उसको आप पड़ेगा ये, और जब भी आप विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने आए तो आफ्टर हैविंग ऑल दर्शन यू कैन कम हियर एंड जस्ट नो यू कैन गो फॉर योर ब्रेकफास्ट और मे बी इन द अर्ली मॉर्निंग। ये सुबह से रात तक खुला रहता है। बनारस में आपको कंबल ओढ़ के भी मिलेगा और पलंग ओढ़ के मिलेगा, सब मिलेगा यहाँ पे। और ठंडी के टाइम में आइएगा तो मलई जरूर खाइएगा।
सो आई एम स्टार्टिंग माई डे विद दिस बटर टोस्ट, उसको कहते हैं कंबल ओढ़ के। सो दिस इज मलाई टोस्ट, ये यहाँ की एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इसकी एक खासियत है। हालांकि मेरे जो मुझे जो जानते हैं मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली, दे आर गोइंग टू किल मी बिकॉज आई हैव अ लैक्टो इशू एंड मैं दूध और मलाई ये सारी चीज़ें खाती नहीं हूँ, और बिकॉज आज मैं ब्लॉग करने आई हूँ तो आई एम जस्ट हियर, आई एम ट्राइंग इट, दो इट्स अ बिग डील टू हैविंग अ मलाई, यू नो व्हाई आई डोंट डू द फूड ट्रेल्स, यू नो आई हैव अ लॉट ऑफ रिजर्वेशंस अबाउट फूड, लाइक मुझे ये खाना है ये नहीं खाना, एंड एक्चुअली इट डज नॉट मीन इवन आई नो हाउ टू कुक, बट यू नो देर आर मेनी थिंग्स आर आई कैनॉट ईट प्रॉपरली, सो दैट्स वाई आई समटाइम अवॉइड टू डू फूड ट्रेल, बट बिकॉज इट इज बनारस एंड आई रियली वॉन्ट टू शो यू समथिंग, सो दैट्स वाई आई रियली वॉन्ट टू टेक यू हियर। दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग मलाई टोस्ट। नाउ ये लक्ष्मी चाय सेंटर जो है चाय वाले, उससे ठीक ऑपोजिट एक जो गली है, नाउ वी आर मूविंग अहेड टू ठटेरी बाजार। तो शेरे वाली कोठी बनारस में कोठी और हवेलियों का कल्चर बहुत फेमस है, तो उसमें से हमारे ये नायाब आर्किटेक्चर आप कह सकते हैं, इसमें इसको शेरे वाली कोठी कहा जाता है। इसमें आपने देखा होगा दो शेर जिसके विंग्स हैं, जिसके तीसरे इसको शेरे वाली कोठी कहा जाता था। इसके अंदर कृष्ण जी की मंदिर है और ये बहुत सालों से यहाँ पर पूजा होता है। एक कोर्टयार्ड है एक बड़ा सा, अभी शायद मंदिर बंद होगा, हम लोग अगर बाद में आते तो आपको सब। ये एक यूनिक जगह है जहाँ पे अंदर आपको दिख रहा होगा शिवलिंग। राम भंडार, यू कैन सी वन ऑफ द वेरी वेरी ओल्डेस्ट शॉप, जहाँ पे जो कचौड़ी जलेबी जो सब्जी जो बनारस की सबसे खास जिसको हम लोग ब्रेकफास्ट कहते हैं, वहाँ पे देर आर मेनी पीपल, दे कम फ्रॉम वेरियस डिफरेंट प्लेसेस एंड दे गो एंड देन ईट देयर, सो लेट मी चेक आउट। सब्जी है काले चने की, इट्स टैंगी मसालेदार, एंड कचौड़ी इज जस्ट अमेजिंग, यू कैन लुक एट द लेयर एज आई नो हाउ टू कुक, सो इट्स यूनिक हियर, यू डू कम एंड प्लीज टेस्ट दिस। यहाँ की पूरी की खासियत है ये सारी चीज़ें देसी घी में बनती है, जलेबी पूरी, सो उसमें एक अलग सा भी फ्लेवर आता है, दैट इज रियली वेरी वंडरफुल दैट आई कैन से। मकान को आप ध्यान से देखिए, अगर आप हिंदी लिटरेचर के बारे में आप जानते हैं तो ये घर भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और ही इज़ वन ऑफ द पायोनियर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर,
आधुनिक हिंदी लिटरेचर के जनक माने जाते हैं ये। और बनारस में ही एक और खासियत है कि प्रेमचंद का घर भी यहीं पे है लम्ही में। कभी मौका मिले तो मैं आपको ज़रूर लेके चलूँगी वहाँ पे। तो इसको ज़रा देखिए, ये अपने में ही ऐतिहासिक है और अ गुड फूड टू ब्रेन। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, मैं यहाँ पे हूँ बंगाली डेवरी। इसका एक ऐतिहासिक वैल्यू है जो यहाँ पे बनारस का सबसे पुराना दुर्गा पूजा होता है। और यहीं से आपको समझ में आएगा कि यू नो हाउ द कल्चर लैंग्वेज सिटी जो एमलगमेट करता है, यू विल गेट दैट। दिस इज कॉल्ड बंगाली डेवरी। ये जो जगह देख रहे हैं ना, यहाँ पे पूजा होती है दुर्गा पूजा। और सबसे पुराना जो दुर्गा पूजा बनारस का होता है वो यहीं पे है। और इसका जस्ट लुक एट द एम्बियंस, यू नो आई एम जस्ट गिविंग वन रेफरेंस टू ऑल द फिल्म मेकर्स, इफ दे वांट टू शूट समथिंग हियर टू बंगाली टू हिंदी टू बनारस कल्चर, दे कैन कम हियर एंड शूट। सो अपार्ट फ्रॉम इट्स अ फूड ट्रेल, इट्स इवन अ माइन्यूट नो हिस्टोरिकल डिटेल ऑफ बनारस। सो समथिंग खाने के साथ साथ थोड़ा सा नो कि हिस्टोरिकल डोज मिल जाए तो इवन दैट इज इवन ग्रेट। बनारस में आइए, आपको ये जगह आपको कोई भी टूरिस्ट और कोई भी गाइड घुमा नहीं पाएगा। बनारस इज़ मोर ऑफ नॉट अ टूरिस्ट प्लेस और नॉट मोर ऑफ अ रिलीजियस प्लेस, इज़ अ प्लेस दैट यू कैन फील। दिस इज कॉल्ड धरहरा मॉस। खासियत ये है कि बनारस ज़रूरी नहीं कि एक धार्मिक स्थल है और एक टूरिस्ट का प्लेस है कि गंगा में लोग नहाने आते हैं। बनारस एक ऐसी जगह है जिसको हम फील कर पाते हैं, फील करने की जगह है। ये धरहरा मॉस्क है, मस्जिद है, और इसके बारे में मैं थोड़ा आपको दिखाऊंगी और फिर मैं कुछ बताऊंगी। इसको आलमगीर मस्जिद या धरहरा मस्जिद कहा जाता है। ये औरंगजेब के टाइम पे बना था, इसीलिए इसको औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था, इसीलिए इसको आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता है। और धरहरा मस्जिद, यहाँ पे दो बहुत बड़े बड़े पिलर्स हुआ करते थे, बहुत ऊंचे पिलर्स, जो एक पिलर गिर गया था और एक डैमेज ना हो जाए इसीलिए एएसआई ने गिरा दिया था, क्योंकि वो मस्जिद को डैमेज कर सकता था। तो बनारस, ये भी एक बनारस है, इसे भी देखना चाहिए हमें। इसे हॉल्स कहते हैं, इसमें वजू किया जाता है, नमाज पढ़ने से पहले वजू जो किया जाता है इसी में किया जाता है। इसे काफ़ी खूबसूरत से रखा गया है। मस्जिद और ये खूबसूरत नजारा देखिए, गंगा घाट, अमेजिंग।
कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि कुछ खूबसूरती हम लोग शब्दों में बयां नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ इस चीज़ को, इस एमलगमेशन को बयां नहीं कर सकती। जैसे हम लोग कहते हैं ना ये शिव की नगरी है, तो यहाँ पे आपको पीर मोहम्मद फकीर और अल्लाह भी मिलेंगे और देख सकते हैं माँ गंगा और यहाँ पे मस्जिद। तो इट्स ऑल अबाउट कल्चरल एमलगमेशन। साढ़े तीन हवेलियाँ हैं, ठीक है, उसमें से ये है आपकी कंगन वाली हवेली, उसके अलावा देवकी नंदन सिंह की हवेली, काट की हवेली जिसको आधी हवेली भी कहते हैं, और कश्मीरी मन की हवेली। ये एक जगह देखिए, थोड़ी सी अजीब सी लगेगी, पता नहीं, आप सीधे जाइएगा तो आपको घाट मिल जाएगा गंगा जी का। ये जगह थोड़ी तो कहते हैं कि अभी खंडर जैसा हो, थोड़ा सा अभी टूटने जैसा वाला है, बट somehow very fascinating, I'm feeling very fascinating. बनारस और बनारस की खासियत उसकी गलियां, जिसे कहते हैं ना गलियों का शहर बनारस, अभी सौरभ ने जैसे कहा यू कैन फील दिस। आप लोग मूवीज वगैरह देखते हैं, बहुत सारी मूवीज वगैरह में तो आप ये सारी चीजें देखी होंगी, और जब मैं मूवीज देखते लगता है ये तो मेरा जगह है, इन लोग कौन सी चीज बता रहे हैं नहीं। अब जैसे देख रहे हैं कि सौरभ मुझे कौन कौन सी गलियों से लेके जा रहे हैं, और ये अपने में भी एडवेंचर ही है, जैसे हम लोग ट्रेकिंग करते हैं वैसा। हमारी जर्नी शुरू हुई थी लक्ष्मी चाय वाले से, फिर बगल में ठठेरी बाजार की गली से, और अभी हम लोग निकलेंगे जो मणिकर्णिका द्वार बोले थे हम लोग, ठीक वहां से निकलेंगे। गलियां आपको हर जगह से बनारस में कनेक्टेड रखती हैं, बट ये है जो इनको जानते हैं पहचानते हैं वो समझ पाते हैं, और टूरिस्ट के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन लुक एट दिस ब्लॉग यू विल गेट सम अंडरस्टैंडिंग एंड यू कैन आस्क मी टू। तो ये आप जो देख रहे हैं ये है बनारस की फेमस ब्लू लस्सी, जहाँ पे आपको वैरायटीज ऑफ लस्सी मिलता है, और अभी फिलहाल ये दुकान अभी धीरे धीरे खुल रहा है, सो मे बी आफ्टर सम टाइम आई कैन शो इट टू यू। दिस इज अ वेरी ओल्ड स्वीट शॉप, 125 साल पुराना। ये राजबंधु बनारस की बहुत पुरानी मिठाई की दुकान है, 125 साल से भी ज़्यादा पुरानी, और ये इसका ओरिजिनल ब्रांच है, इसके अलग अलग कई बनारस में ब्रांचेस है। ये मणिकर्णिका के आसपास की जगह है, कचौड़ी गली इसको कहते हैं, तो आप जब घूमने आइएगा तो ज़रूर आइएगा। अभी आप जो देखें वो भी बनारस का एक सत्य है, पता नहीं इसको मुझे दिखाना चाहिए कि नहीं चाहिए, बट इम्पॉर्टेंट जो शव यात्रा आपने देखा ये मणिकर्णिका घाट है जिसको शमशान कहते हैं, और वहाँ से ये जा रहा है, सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये थी आज का फूड कल्चरल ट्रेल, आप देख रहे हैं क्या यहाँ पे मणिकर्णिका द्वार है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं विश्वनाथ कॉरिडोर। तो अगर आपको ये एपिसोड आज का अच्छा लगा हो, यहाँ का खाना, यहाँ का कल्चर, यहाँ के मंदिर, यहाँ की हवेली, घाट,
So please don't forget to like, share and subscribe to Novena D Amateur. Till then, take care. ये मैं जा रही हूँ अपने घर की तरफ। बनारस में जितना भी शूट करो और समय बताओ, थोड़ा बहुत कुछ छूट ही जाता है, कम ही हो जाता है अपने रोज़ की ज़िंदगी, अपने प्रोफेशन, अपने हर चीज़ से। मैं भी बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए एपिसोड्स लाती हूँ। प्लीज़ मेरे मेहनत को, आप मेरी कोशिश को प्लीज़ सराहिएगा, और कुछ भी आपको लगता है इम्प्रूवमेंट आप प्लीज़ दीजिएगा, बिकॉज़ मैं बहुत मेहनत करती हूँ। और आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, तो इट विल बी अ बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी।